friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 14, Practical Geometry of Class 6. Exercise 14.6, question number 2. Draw an angle of measure 147 degree and construct its bisector. यहाँ पे हमें एक एंगल ड्रॉ करना है जिसका मेजर होगा 147 डिग्री एंड उस एंगल के हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. उसके लिए सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर की हेल्प से. यहाँ पे एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. देन इस लाइन से हम एक एंगल बनाएंगे 147 डिग्री का. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे 147 डिग्री का आएगा. ये जो हमारी जीरो वाली लाइन है हमें अपनी लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है. देन यहाँ देखेंगे 140 डिग्री यहाँ पर है, 47 इससे आगे हुआ तो हम ऊपर वाले पॉइंट काउंट कर लेंगे 141, 142, 143, 144, 145, देन 146 एंड 147. सो यहाँ पर आएगा हमारा 147 का पॉइंट. अब हम इन दोनों पॉइंट को टच करके एक लाइन बनाएंगे. यहाँ से रूलर को हम इस तरह से रखेंगे जो कि हमारा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच हो जाए लाइन. तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है. इस एंगल को हम नाम देंगे ओ पी एंड क्यू एंड इस एंगल का मेजर कितना है हमारा 147 डिग्री. सो ये हो जाएगा ड्रॉ. एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू का मेजर कितना है हमारा 147 डिग्री. देन उसके बाद अपने कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन करेंगे, ओ पॉइंट पे रखेंगे एंड एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ये जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों को हम नाम देंगे पी आर एंड एस. सो ये हो जाएगा विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस एंड एनी रेडियस. रेडियस हम थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं. ड्रॉ एन आर्क, एक हमने आर्क ड्रॉ करा है विच कट, ये वाला आर्क हमारा ओपी रे को, रे ओपी, ओपी रे को कट करेगा आर पॉइंट पर एंड रे, ये जो हमारी ओक्यू रे है इसको कट करेगा ओक्यू एट एस, ओक्यू रे को एस पे कट करना है. अब हम अपनी कंपास को बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं करेंगे, वही सेम साइज रखेंगे. देन अगर हम यहाँ से आर्क ड्रॉ करते हैं तो एक आर्क हमारा यहाँ आएगा, एक आर्क हमारा यहाँ आएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. ये वैसे कट नहीं होगा. तो अब हमें क्या करना होगा, आर एस का जितना मेजर है, आर एस का हमारा इतना बड़ा मेजर, तो हमें क्या करना है, इसका हाफ कहाँ पर होगा, यहाँ का इसका हाफ होगा, इसके हाफ से ज्यादा मेजर है हम अपने कंपास में ओपन कर लेंगे. हाफ से ज्यादा ओपन करने के बाद उस कंपास को हम एक बार एस पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे एंड एक बार आर पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे. इस आर्क को नाम देंगे हम टी. अब हमें क्या करना है, ओ से लेके टी तक की लाइन ड्रॉ करनी है. इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कट करेगी हमारी लाइन एंड ओ पॉइंट पे टच करेगी. तो ये हमारी लाइन बन गई ओ टी. सो नेक्स्ट हो जाएगा ये विद आर एंड एस, एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ आर एस. आर एस का जितना बड़ा आर्क है उसके हाफ से ज्यादा हमने रेडियस लिया है. देन ड्रॉ टू आर्क आर एंड एस, आर एस ड्रॉ एन आर्क. दोनों पॉइंट से हमने एक एक आर्क ड्रॉ करा है. देन जॉइन ओ टी, ओ टी को हम ज्वाइन करेंगे. अब हमारे पास दो एंगल बन गए पी ओ टी एंड क्यू ओ टी. अब हमें देखना है कि इन दोनों एंगल का मेजर कितना होगा. बाइसेक्टर का जो होता है, बाइसेक्टर हमारे एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है.
तो 147 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा एंगल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 147 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2 7 14, 14 में से 14 माइनस करेंगे, यहाँ बचा 0 0, ऊपर से हमने 7 उतारा है, हो जाएगा 2 3 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 बचा है, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे पॉइंट लेके हम यहाँ 0 लेंगे, ये हो जाएगा 2 5 10, तो हमारे POT और QOT का मेजर कितना आएगा 73.5 डिग्री, ये वाला एंगल होगा हमारा 73.5 डिग्री, एंड ये जो इधर वाला एंगल है ये भी हमारा होगा 73.5 डिग्री सेल्सियस, सो ये हो जाएगा, एंड इसको हम अपने प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे एंड देन मेजर करेंगे, ये 70 से ऊपर है, यहाँ पर हमारा एंगल 73 पर आ रहा है, देन दूसरा एंगल मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी जो ये जीरो वाली लाइन होती है इसको ओडी के ऊपर रखेंगे एंड यहाँ से मेजर करेंगे, ये वाला एंगल भी हमारा 73.5 डिग्री का होगा, ये हो जाएगा एंगल पीओटी इज इक्वल्स टू एंगल क्यूओटी, दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, दोनों एंगल का मेजर होगा हमारा 73.5 डिग्री, सो ये जो हमारी ओटी रे है ये हमारे एंगल पीओक्यू का बाइसेक्टर है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 एंड आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।